हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग सब बारिश एंजॉय कर रहे हैं, और जहाँ बारिश ने परेशान कर रखा है क्या कर सकते हैं। खैर, मैं आप लोगों का वोकैब सेशन जो है मैंने आप लोगों का चला रखा है, और अगर आप लोग काउंट करें तो एक सेशन में लगभग 50 के करीब वर्ड्स जो है वो हो रहे हैं। बहुत अच्छा वोकैब, आप खुद देखिए, डे 9 है, और अगर लगभग 50 भी होते हैं तो 500 वर्ड्स तो अगर आप के यू ही जो है 10 ही दिन में जो है वो आराम से जो है वो हो जाएंगे। तो बहुत बेनिफिशियल सेशन है, बस यही आप लोगों से कहना चाहूँगी। और अब सेशन स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले मैं अपना नया बैच 26 से मुझे स्टार्ट करना था यूपी टीजीटी का, बट मैं अभी थोड़ा सा उसको अक्टूबर में स्टार्ट करूंगी उसको, क्योंकि मैं भी डेट जो है वो का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि अभी ये देखना पड़ता है कि भाई मतलब हम तय समय पर चीज़ों को ख़त्म करवा पाएंगे या नहीं ख़त्म करवा पाएंगे, इसलिए बैच को अक्टूबर तक के लिए 26 की जगह अब अक्टूबर में जो है वो बैच स्टार्ट होगा। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही बैच स्टार्ट होगा, तब तक सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी। अगर आप लोगों को, खैर वो लाइव बैच के में और एक वीडियो बैच है जिसमें इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर के दोनों के वीडियोस हैं। लाइव बैच का ही वो जो है रिकॉर्डिंग्स हैं, जिसमें आपको उसमें नोट्स जो है उसी फीस में इंक्लूडेड है। नोट्स आप लोग के हार्ड कॉपी में आपके घर पर आएंगे, और सारे जो हैं इसमें राइटर्स और सारे जो ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे इसमें दिए हुए हैं। तो इसके लिए आप अगर चाहें तो कॉल कर सकते हैं 7895937338 पर। चलिए आप स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वोकैबलरी सेशन। तो आज का वोकैबलरी सेशन है, हमारा पहला जो वर्ड है वो है दैट्स डिलिटेयर। डिलिटेयर का मतलब होता है सिर्फ खुद को, डिलाइट, खुद को खुश करने के लिए, खुद को खुश करना। अब जो वर्ड आता है डिलिटेंट, डिलिटेंट एमेच्योर, डेबलर, जो कोई भी काम करते हैं मगर काम जो कर रहे हैं वो उसमें डूब कर नहीं करते हैं, इंटरेस्ट है मगर स्लाइट इंटरेस्ट है, उसको कहते हैं डिलिटेंट, डेबलर, एमेच्योर। यानी कि कोई काम करना लेकिन उसमें वो इंटरेस्ट ना होना, करा काम छोड़ दिया, दिखा रहे हैं कि इंटरेस्ट है मगर उसमें इंटरेस्ट होता नहीं है। तो ये एमेच्योरिश जो है उसमें होगा कि भाई जो नौसीखेपने से काम करते हैं उसके अंदर उनका फुल जो है वो फुल फ्लेज होने था, फुल फ्लेज अपना इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिखाते। जैसे कि आप खुद ये सोचिए, कोई जैसे टीचिंग में है, टीचिंग एक प्रोफेशन ऐसा है कि वेटरन टीचर्स जो होते हैं जिन्हें पढ़ाने का, आप इस ये प्रोफेशन भी एक ऐसा है कि आप इसमें जब तक गहरे, आप इसमें डूबते नहीं हैं, जब तक आप अपने इस प्रोफेशन को प्यार नहीं करते, आप स्टूडेंट्स को वो जो है वो बात बता नहीं पाएंगे, वो ज्ञान दे नहीं पाएंगे अगर आप जो है अपने प्रोफेशन से प्यार नहीं करते। अब बहुत से लोग इस प्रोफेशन को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आ जाए चीज़ों को करा, उसके बाद इंटरेस्ट खत्म हो गया तो कोई और चीज करनी शुरू कर दी, दे आर टायरो, नोविस, डिलिटेंट, डेबलर, वो होते। मैंने इतने सारे सिनोनिम्स आपको इसके बताए। तो जब इसका है वेटरन, एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी, जो अपने अनुभव से करते हैं और बहुत अपने एक चीज को प्यार करते हैं, और जिसका सीरियसली नहीं करते, दैट्स डिलिटेंट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज वीर। वीर का मतलब होता है मैन। अब इसमें हमने जोड़ा विरेगो। विरेगो का मतलब होता है लंबी चौड़ी, जो है मस्कुलिन, जो मस्कुलिन वुमेन होती हैं उन्हें कहा जाता है विरेगो। लंबी चौड़ी मस्कुलिन फिगर वाली उन्हें जो है वो विरेगो कहा जाता है। इसके अलावा कर्कशा, लड़ाई झगड़ा करने वाली झगड़ालू स्त्री को भी विरेगो कहा जाता है। तो विरेगो फार फ्रॉम बीइंग ट्रेडिशनली फेमिनिन, यानी कि देखिए जो मैस्कुल विरेगो अ वुमन विद मैस्कुलिन
पर्सनैलिटी, यानी कि एक वुमेन जिसकी मस्किलिन पर्सनैलिटी है, लंबी चौड़ी, और इसके अलावा एक लड़ने लड़ाई झगड़ा करने वाली एक जो स्त्री है वो भी विरैगो, जिसे टर्मागेंट कहते हैं, बहुत ही लड़ाका स्त्री, दैट्स टर्मागेंट। हैरिडन, बटलैक्स, श्रू, श्रू बैटल ऑफ द श्रू, अगर आपने शेक्सपियर का प्ले पढ़ा, टेमिंग ऑफ द श्रू, बैटल ऑफ द श्रू ने टेमिंग ऑफ द श्रू, एक झगड़ालू स्त्री को टेम करना। हार्पी, हार्पी एक वुमन जो है वो एक एक उसमें माइथोलॉजिकल फिगर में हार्पी जो है एक जो है एक राक्षसी के रूप में जो है दिखाया जाती है। हार्पी जो एक राक्षसी है, आप लोगों ने अगर कृष्णा या कोई भी जो सीरियल्स देखे हो तो उसमें आप लोगों ने वो देखी होंगी, जो लंबी चौड़ी राक्षसियाँ जो आती हैं तो बहुत हसोड़ी होती हैं, वो बहुत हस्ती बहुत है, हसमुख बहुत होती हैं वो, तो वो जगह लेकिन वो बहुत लंबी चौड़ी और ऐसी होती हैं, तो सॉर्ट ऑफ जो इसी तरीके का जो कैरेक्टराइजेशन है हार्पी का किया जाता है। और ये लेकिन ये विरैगो जो वर्ड है ये कई उसमें यूज किया जाता है, मतलब ए वुमन विद मैस्कुलिन पर्सनैलिटी, इसके अलावा अ वुमन जो बहुत ज्यादा लड़ाका स्त्री है उसको भी कहा जाता है टर्मागेंट, हैरिडन, बैटलैक्स और या श्रू हार्पी। शोविनिस्ट, शोविनिस्ट जो वर्ड होता है एक जिंगोइस्ट या ब्लॉट एंड पैट्रियट को बोलते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो अथाह जो होता है अपने अपने आप को अपने धर्म को दूसरों से सुपीरियर समझता है। ब्लॉट एंड पैट्रियट बहुत ज्यादा जिंगोइस्ट है, यानी कि बहुत ज्यादा कट्टर, बहुत ज्यादा अंधभक्त, अपने आप को दूसरों से ऊपर समझने वाला, अपने धर्म को दूसरों से ऊपर समझने वाला, अपने विश्वास को दूसरों से ऊपर समझने वाला, उसे क्या कहते हैं शोविनिस्ट। दैट इज, वैसे मेल शोविनिस्ट भी कहते हैं, मेल शोविनिस्ट के मतलब होता है अ मैन हु कंसिडर्स हिमसेल्फ फार सुपीरियर टू वुमेन, तो वो उसे भी जो है शोविनिस्ट कहा जाता है। शोविनिस्ट एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को, अपने धर्म को, अपने विश्वास को दूसरों से बहुत ऊपर समझे, उसे कहते हैं शोविनिस्ट या जिंगोइस्ट, बेहद जिसे कहना चाहिए बहुत ही ज्यादा जेलस, बहुत ही ज्यादा जो है अति उत्साहवादी, अति उत्साही, बहुत कट्टर, उसे कहते हैं दैट शोविनिस्ट या जिंगोइस्ट। आइकन, आइकन जो वर्ड है इसका मतलब होता है एक रिलीजियस इमेज, अ क्लास्ट का मतलब होता है तोड़ना। आइकन ए क्लास्ट का मतलब होता है एक इमेज को, इमेज आइकन ए क्लास्ट मीन्स होता है इमेज ब्रेकर। जैसे मिल्टन की एक जो बुक आई थी जिसे जलाया गया था, आइकन ए क्लास्ट, जिसमें उन्होंने चार्ल्स फर्स्ट की इमेज को ब्रेक किया था, जो आइकन बेसिलाइक में आया था, तो उन्होंने उस इमेज को ब्रेक करा था, यह दिखाया था कि जैसा पोर्ट्रे किया जा रहा है वो ऐसे नहीं थे। इसके अलावा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को भी आइकनोक्लास्ट कहा जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति थे जो समाज में प्रचलित आइकन्स हैं, समाज में प्रचलित इमेजेस हैं, उनको तोड़ा करते थे, मूर्ति भंजक जिसे कहा जाता है। जैसे उन्होंने लव को, वॉर को, उनके जो पॉपुलर आइडियल्स थे कि लव जो है वो बहुत ही जो है एक बहुत ही हाई आइडियलिज्म होता है लव में, या वॉर में बहुत हाई आइडियलिज्म होता है, तो उन्होंने आर्म्स एंड द मैन में इस ये दोनों आइडियल्स को बिल्कुल शैम बताया था और दोनों की इमेज को ब्रेक किया था। तो इमेज ब्रेकर, किसी इमेज को तोड़ना, जो समाज में प्रचलित इमेजेस हैं उन्हें ब्रेक करना, दैट्स आइकनोक्लास्ट, मूर्ति भंजक। नाउ द नेक्स्ट वन इज पीटर, फादर। सबसे पहले पैट्रियट, वन हु लव्स हिज मदरलैंड, वन हु लव्स हिज कंट्री, पैट्रियट, देशभक्त, ठीक है। पैट्रियटियर, पैट्रियटियर जिंगोइस्ट, अति उत्साहवादी। शोविनिस्ट, जो अपने आप को, अपने धर्म को अपने से ऊपर समझे, सबसे अपने आप को सबसे ऊपर समझे, और जो है हम ही हैं, हम ही हम, बाकी सब पानी कम, तो ये पैट्रियटियर, हम ही हम, बाकी सब पानी कम, ये पैट्रियटियर। पैट्रिमनी, पैट्रिमनी का मतलब होता है विरासत, पिता की तरफ से मिलने वाली मनी, पैसा, पैट्री पिता, पिता की तरफ से मिलने वाली विरासत, पिता की तरफ से मिलने वाला जो पैसा है, जायदाद है, दैट्स पैट्रिमनी। पैट्रोनिमिक, निम जो होता है, निम का मतलब होता है नाम,
तो पेट्रोनिमिक का मतलब हो गया ए नेम फॉर्म्ड ऑन द फादर, पिता के नाम पर नाम बनाया जाना, पिता के नाम पर नाम बनाना, दैट्स पेट्रोनिमिक। पेटर्निटी पितृत्व, मैटरनिटी मातृत्व, पैटर्निटी पितृत्व, यानी कि पिता बनना, दैट्स पेटर्निटी, पिता बनना, दैट्स पेटर्निटी। पेट्रियार्क, पेट्रियार्क जैसे आर्स इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, यानी कि जिसमें पितृ सत्तात्मक, वे फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली, दैट इज पेट्रियार्क। पेट्रियार्क जहां पे फादर जो है वो लीडर होते हैं, जो हेड होते हैं फैमिली के, दैट्स पेट्रियार्क। तो पितृ सत्ता, पेट्रीसाइड, साइड जो वर्ड है, साइड का मतलब होता है किलिंग, तो पेट्रीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ फादर, पिता की हत्या, दैट्स पेट्रीसाइड। पेट्रिशियन, पेट्रिशियन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके फादर नोबल हो, यानी कि कुलीन वर्ग को बिलोंग करने वाला, बहुत ही नोबल क्लास को बिलोंग करने वाला, दैट्स पेट्रिशियन। पेट्रिशियन एक ऐसा व्यक्ति जिसके फादर नोबल हो, जो कुलीन वर्ग को बिलोंग करता हो, दैट्स पेट्रिशियन। एरिस्टोक्रेट जो है, एरिस्टोक्रेट राजवंश को बिलोंग करने वाला, पर्सन ऑफ अ ब्लू ब्लड, जो राजवंश को, एक बहुत ही कुलीन वंश को बिलोंग करने वाले को पेट्रिशियन। पैट्रन, संरक्षक, पिता की तरह जो संरक्षण दे, पैट्रन, संरक्षक पे जो है पिता की तरह संरक्षक देने वाला, पैट्रन। पादरी, पादरी बोलते हैं हिंदी में, पादरी बोलते हैं पादरी, तो जो सेना में पादरी होते हैं, सेना में जो जो एक चैपलेन है, यानी कि पादरी, हिंदी में भी पादरी ही बोलते हैं, चर्च में जो पादरी होते हैं पूजा करवाने वाले, उन्हें कहा जाता है पादरी या चैपलेन इन वन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज। मेटर, मेटर मींस मदर, जो वो पेट्रियार्क किया था फादर, मेटर मदर। मेट्रियार्क मातृ सत्ता, जहां माँ की सत्ता, माँ जो है वो लीडर होती है, जैसे अगर आपने देखा हाथियों में मैट्रियार्क होता है, जो फीमेल एलिफेंट है वो लीड करती है, तो मैट्रियार्कल जो है उसमें जो सत्ता होती है वो मैट्रियार्कल होती है। तो फीमेल हेड यानी कि माँ की सत्ता, दैट्स मैट्रियार्क। मैटर्निटी मातृत्व, माँ बनना, दैट्स मैटर्निटी। मैटर्नल, मेटरनल का मतलब मेटरनल लव, मां जैसा प्यार, मां जैसा, मदरली, मां जैसा, मेटरनल मां की तरफ से, मां जैसा। मैट्रन, मैट्रन का मतलब होता है एक मैरिड वुमन, मिडिल एजेड, हु इज स्टेड एंड डिग्निफाइड नर्स, एक जो हॉस्टल्स में या नर्सिंग होम्स में, मैट्रन वो महिला होती है जो बहुत शांत, डिग्निफाइड, मैरिड, बड़ी उम्र की महिला होती है, जो अन्य पे नजर रखा करती है, दैट्स माँ जैसी फिगर वाली महिला जो अन्य पर नजर रखती है, दैट्स मैट्रन। अल्मा मेटर, अल्मा मेटर का मतलब होता है एक ऐसे वो जगह जहां, जो हमारा स्कूल, जहां से स्कूल यू ग्रेजुएटेड, पहली जो टीचर होती है वो हमारी माँ होती है, उसके बाद अल्मा मेटर स्कूल जहां से हम पढ़े, हमारा स्कूल, वो हमारी दूसरी इंटेलेक्चुअल मदर होती है, पहली स्कूल ही, पहला स्कूल, पहली टीचर हमारी माँ होती है, उसके बाद अल्मा मेटर वो जगह जो हमारी इंटेलेक्चुअल बौद्धिक मदर है, अल्मा मेटर, दैट्स आर स्कूल। मैट्रिमनी, मैट्रिमनी का मतलब होता है शादी, द सेरेमनी और सेक्रामेंट ऑफ मैरिज, यानी कि शादी को बोला जाता है मैट्रिमनी। मेट्रोनिमिक, अभी मैंने निमिक आपको बताया था, निम मतलब होता है नाम, मां के नाम से नाम बनना, दैट्स मेट्रोनिमिक। अभी आपने देखा प्रियंका चोपड़ा ने अपनी बेटी का नाम अपनी मदर के नाम पे और अपनी मदर इन लॉ के नाम पर जो है वो रखा है, तो मां के नाम से नाम बनाना, दैट्स मेट्रोनिमिक। नेक्स्ट नेक्स्ट इज मैट्रिसिप, मैट्रिसिप का मतलब होता है मदर की तरफ के रिश्तेदार, मैट्रिसिप मातृ, माँ की तरफ के रिश्तेदार, माँ की तरफ की जो जो भी माँ की तरफ से रिलेटेड हो, दैट्स मैट्रिसिप। मनी, मनी मींस होता है पैसा या एक ऐसी कोई भी चीज जिससे हम बदले में कोई और चीज खरीद सकते हैं। मनी जो वर्ड है ये रोमन गॉडेस है जूनो, रोमन गॉडेस जूनो मोनेटा, जो फिनेंस टेंपल्स को गार्ड किया करती थी, वहां से ये शब्द आया है, फिनेंसेस को गार्ड करने वाली गॉडेस थी जूनो मोनेटा, वहां से ये आया है। मोनेटा मींस एक कोई भी ऐसी चीज जिसके बदले में हम कुछ लेते हैं, दैट्स मनी। पैट्रीमनी
पिता की तरफ से जो मनी मिले, पिता की तरफ से जो विरासत मिले, दैट्स पैट्रिमनी। मॉनेटरी रिलेटेड टू मनी, यानी कि धन संबंधी, मॉनेटरी धन संबंधी। मनीयर, मनीयर वो व्यक्ति होता है जो नोट पर स्टैंप लगाता है, जो नोट पर स्टैंप लगाए, भाई देखो कितना बढ़िया व्यक्ति होगा नोट पर स्टैंप लगाने वाला, कितना स्किल्ड पर्सन जो नोटों पर स्टैंप लगाता है। नेक्स्ट इज निम। निम का मतलब होता है नाम। सिनोनिम सिन मींस एक जैसे, यानी कि समानार्थक शब्द। सिनोनिम समानार्थक शब्द। कैमरा ब्लर्ड। नेक्स्ट एंटोनिम। एंटो मीन्स होता है ऑपोजिट, यानी कि जो वर्ड्स हैं उनके ऑपोजिट वर्ड्स। एक होमोनिम, होमो मीन्स सेम, सेम साउंडिंग वर्ड्स, उन्हें होमोनिम्स कहा जाता है। एक्रोनिम, वर्ड्स के पहले लेटर से जो नाम बनाए जाते हैं, जैसे नासा, नाबार्ड, ये एक्रोनिम। एक्रोनिम मतलब वर्ड्स के, कई सारे वर्ड्स के पहले लेटर को लेकर जो नाम बनाए जाते हैं, दैट्स एक्रोनिम। स्यूडोनिम, जो राइटर्स अपने नाम जो है वो नकली नाम से लिखते हैं, नोम डी प्लूम, जैसे जैसे गॉल्सवर्थी लिखा करते थे जॉनसन जॉन के नाम से, तो ये है स्यूडोनिम। एनोनिमस, एनोनिमस मतलब अनजान, अनजान उसे एनोनिमस कहते हैं। इपोनिम, इपोनिम का मतलब होता है द पर्सन फॉर होम समथिंग इज नेम, किसी व्यक्ति के नाम पर कोई चीज का नाम पड़ जाना। जैसे अभी मैंने कुछ आपको परसों पढ़ाया था मार्टिनेट, जॉन मार्टिनेट थे, जो कि ये फ्रेंच वहां से वर्ड आया है जॉन मार्टिनेट, जो कि जाने जाते थे अपने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट अनुशासन के लिए। अब कोई भी व्यक्ति अगर जो है बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन है तो उसको मार्टिनेट कहा जाता है। मैकियावेलियन जो है टेंट्रम्स, तो मैकियावेली के नाम से मैकियावेलियन जो है वो टेंट्रम्स आ गए, या मैकियावेलियन पॉलिसीज आ गई, तो ये जो चीज मैकियावेली के नाम पर आ गया, तो दैट इज इपोनिम। सीडोसाइड कट, काटना। सुसाइड, खुद को मारना, स्वयं को मारना, किलिंग वनसेल्फ, दैट इज सुसाइड। फ्रेटरीसाइड, फ्रेटर्निटी, भाई, साइड मतलब मारना, भाई की हत्या। सोरो मींस बहन, साइड बहन की हत्या। होमी, होमो मींस ह्यूमन बीइंग, साइड मानव की हत्या। रेजिसाइड, रेजी, रेजी मतलब राजा, साइड मतलब किलिंग, राजा की हत्या। साइड जहां भी आएगा हत्या। उक्सोरिसाइड, उक्सोरियस कहते हैं, उक्सोरियस वन हु लव्स इंटेंसली हिज वाइफ, मतलब एक्सेसिव लव जो, उक्सोरियस। उक्सोरिसाइड पत्नी की हत्या। इन्फेंटिसाइड बच्चे की जो है वो हत्या, बच्चे की, इन्फेंट बच्चा, बच्चे की हत्या। जीनोसाइड, जीन मींस पूरी की पूरी प्रजाति, पूरी प्रजाति को खत्म करना, जीनोसाइड। वीरोसाइड वायरस को खत्म करना, एक ऐसा व्यक्ति जो वायरस को खत्म करता, वो मतलब वीरोसाइड मतलब वायरस को खत्म करना, वायरस, किलिंग ऑफ अ वायरस। नाउ वैक्सीन मैनिया, मैनिया होता है पागलपन। अब सबसे पहले मोनोमैनिया, मोनोमैनिक, मैनिक होता है पागल, मोनो एक सिंगल विचार के पीछे, एक सिंगल चीज के पीछे पागल हो जाए, एक सिंगल चीज को ही दिखाए जा रहे हैं। जैसे अब आप लोग अगर मोनोमैनिक है, अगर आप आजकल की बॉलीवुड मूवीज देखें या कुछ ऐसे वो देखें, तो आप बहुत सारी चीजें ये देखेंगे कि एक ही आइडिया को बार 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 दिखाया जा रहा है, पीपल गेट बोर्ड ऑफ इट। लेकिन चलिए क्या उसमें मोनोमैनिक नहीं आता, मगर इधर अगर आप एक ही आइडिया के पीछे हाथ धो के पड़ जाए, ये एक मेंटल इलनेस होती है। मोनोमैनिक का मतलब होता है अमैनिया रेस्ट्रिक्टेड टू वन थिंग, और एक ही चीज के प्रति पागल हो जाना, दैट्स मोनोमैनिया। और मोनोमैनिक एक ही चीज के प्रति पागल हो जाने वाला, डिप्सोमैनिया, शराब पीने के प्रति पागल होना, शराब, डिप्सोमैनिया, पोटोमैनिया, अल्कोहलिज्म, भयंकर वाला। आज शादी हो गई, चल दारू पीते हैं, आज ये हो गया, चल दारू पीते हैं। डिप्सोमैनिया मींस होता है भयंकर वाला, जो डिप्सोमैनिया मींस एक्सेसिव अल्कोहलिज्म, बहुत ज्यादा शराब पीने की जो पागलपन होता है उसे डिप्सोमैनिया कहते हैं। क्लेप्टोमैनिया, ये एक जो है ये भी एक मेंटल इलनेस है,
चुराने का, मतलब एक व्यक्ति जिसको पागलपन है चुराने का, और कुछ नहीं तो छुरी कांटे चुरा लो, ये चुरा लो, छोटी छोटी चीजें, ये एक, ये भी एक मेंटल इलनेस है जिसमें जो है क्लेप्टोमेनिया, टू स्टील इन द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक, ये कोई व्यक्ति चोरी कोई अपने नीड्स पूरी करने के लिए नहीं करता, दैट्स ये एक मेंटल इलनेस होती है, चोरी करने की बीमारी, मेनिया वन पागलपन, पायरोमेनिया, पायर मींस आग, मेनिया मतलब पागलपन, आग लगाने की बीमारी, और कुछ नहीं तो चला आग ही लगा लेते हैं, मॉर्बिड कंपल्शन टू सेट फायर टू थिंग्स, पायरोमेनियक जो होता है वो दूसरों से बदला लेने के लिए आग लगा देते हैं, पायरोमेनिया आग लगाने का पागलपन, मेगालोमेनिया, मेगालोमेनिया एक्सेसिव, एक्सेसिव पर्सन हु इज मैनिएक फॉर एक्सेसिव पावर, पागलपन, पावर के लिए पागलपन को बोलते हैं मेगालोमेनिया, मेगालोमेनिएक उसे कहते हैं हु इज जस्ट बैड आफ्टर पावर, जो पागल है पावर के पीछे उसे मेगालोमेनिया कहते हैं, मेगालोमेनिया मींस ताकत के प्रति पागल जो होता है उसे मेगालोमेनिया का, ताकत के प्रति पागलपन, मेगालोमेनिया ताकत के प्रति पागल, मेगालोमेनिएक, निम्फोमेनिया, निम्फ मींस वुमेन, मेनिया मींस पागलपन, एक ऐसी औरत जो जिसमें एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर हो, दैट्स निम्फोमेनिया, निम्फोमेनिक एंड निम्फोमेनिया मतलब होता है एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर, दैट इज नोन एज निम्फोमेनिया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ये कुल मिला के लगभग 50 वर्ड्स थे, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया 50 से ज्यादा ही थे, किसी के सिनोनिम वगैरह भी थे, तो एक छोटे से सेशन में इतने सारे वर्ड्स कवर हुए, अगर आप इन वीडियोस को अच्छे से करेंगे तो आपकी वो कैब बहुत इंप्रूव होगी, क्योंकि ये आपको भी पता है कि मैं बीच में कोई टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं फालतू की कोई चीजें बीच में कोई सामान को बेचने का कोई प्रयास नहीं करती हूँ, जो भी मुझे ऐड करना होता है शुरू में करना होता है, इतना क्वालिटी कंटेंट अगर आपको मिल रहा है और आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको डू शेयर इट, और लगता है कि हमारे किसी काम का नहीं तो कोई बात नहीं, that it's totally up to you, that's all for today, stay blessed, bye bye.